हेलो ऑल। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा वॉशरूम, एटलीस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, और ये टाइल्स भी उतनी ही ओल्ड हैं। तो मैंने क्या किया, जो बीच का जो ये हिस्सा है जो ब्लैक पड़ जाता है ना, इसमें मैंने रेडी टू यूज़ वाइट सीमेंट आती है, मैंने वो फिल कर दी। तो काइंड ऑफ ये उतना गंदी शैबी लुक नहीं दे रहा। नाउ लेट्स कम टू द कॉर्नर। मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का कॉर्नर लिया और उस पर मिरर्स चिपका दिए, उधर मैं साबुन या कॉटन। एंड ये दरवाज़ा भी मैंने थोड़ा पेपी बना दिया, इसको वॉलपेपर बोरिंग हो जाता है टाइम के बाद वॉशरूम। टाइल्स आप हमेशा चेंज नहीं करा सकते। ये मैगजीन स्टैंड है, वैसे न्यूज़पेपर मैंने इसमें इसको लाइक यूज़ कर लिया। दिस इज़ माई कॉर्नर थिंग, इस पर मैंने कटवा कर ये पत्थर या बोल सकते टाइल्स कटवा के रखवा दी, और बास्केट में ताकि आपके जो लॉन्ड्रीज एंड ऑल हैं थोड़े छुपे रहें। और ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नलके क्योंकि बहुत पुराने थे, जो आसपास जहाँ मैंने मिरर लगाए हैं वो बहुत ही गंदे हो गए थे, बहुत ही पुराने, तो उसको कवर कर दिया मैंने इस तरीके से। अब वॉशरूम का आता है मेन, जो मेन चीज़ है जो मैंने की वो थी कि इसका बीच का जो हिस्सा था जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो बहुत ही उसके एजेस जो है टाइल्स के वो कट गए थे बुरी तरीके से, विदर्ड से हो गए थे। तो जस्ट सी मैंने इसको क्या लुक दिया, ये मैंने लुक दे दी उसको मिरर से पूरा प्रॉपर। मैंने बीच में जो स्पेस थी मैंने उस पर रेड कलर के मिरर्स यूज़ किए, और ये खिड़की है मैंने उसको अपने ब्लू पेंट से पेंट कर दिया, जस्ट टू ऐड अ लिटिल पेप, बोरिंग हो जाता है ना थोड़ा इसीलिए। और अब स्पा में तो हर रोज़ नहीं जा सकते, तो आई लिट अ परफ्यूम कैंडल। और ये जो स्टैंड था ये भी प्लास्टिक का था, तो मैंने इस पे भी मिरर्स चिपका दिए, और ये मिरर था लकड़ी का, मैंने इसको भी इस तरीके से पेंट कर दिया। और क्योंकि मेरा गीज़र था ऑलरेडी ब्लू कलर का, तो मैंने उसके जो शैबी टैप्स थे मैंने उसको भी ऐसे ढक दिया। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर सच DIY टू मेक योर लाइफ कलरफुल।